अभिमन्यु फिर पूछ पड़ता है, क्या हुआ था उसके साथ गुरुजी? कार्तिक पुजारी अभिमन्यु को चटर्जी के बारे में सब कुछ बताते हुए कहते हैं। शुभांग चटर्जी कहने को तो एक पंडित थे अभिमन्यु बेटा, पर वो बहुत बड़े लोभी थे। जब सारे मठों के पुजारियों की सभा होती थी तो उन सभाओं में कई बार मेरी उनसे भेंट हो चुकी थी। उनकी बातें, उनके व्यवहार से हमेशा मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो खूब सारा धन दौलत कमाना चाहते हैं। वो जानते थे कि सिर्फ पूजा पाठ भजन करके वो दौलत कमाना तो क्या, अपना जीवन यापन भी ठीक से नहीं कर सकते थे। इसी वजह से उन्होंने टोने टोटके काले जादू करना शुरू कर दिया था और एक तांत्रिक बनने की राह पर निकल गए थे। अभिमन्यु तुरंत कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ता है, गुरुजी अगर वो काले जादू किया करते थे तो उन्हें पुजारी की उपाधि से हटा क्यों नहीं दिया गया? उन्हें तो ये सब करने के कारण निष्कासित कर देना चाहिए था। कार्तिक पुजारी कहते हैं, ये सारी बातें हमें उनके मरने के बाद पता चली थी अभिमन्यु बेटा, इसी वजह से हम सब मठों के पुजारी कुछ नहीं कर पाए थे। अभिमन्यु चुप ही रहता है। कार्तिक पुजारी फिर खुद बोल पड़ते हैं, धन दौलत पाने के लिए उन्होंने सुर सुंदर यक्षिणी की साधना की थी। अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, क्या कहा आपने गुरुजी, सुर सुंदरी यक्षिणी? कार्तिक पुजारी हामी भरते हुए कहते हैं, हाँ अभिमन्यु बेटा, सुर सुंदरी यक्षिणी, क्योंकि सुर सुंदरी यक्षिणी ही है जो इंसान को धनवान बना सकती है। शुभांग चटर्जी ने अपने बेटे अरविंदो को भी इन सब में सम्मिलित किया था। शुभांग चटर्जी ने बचपन से ही अगर अपने बेटे अरविंदो को दैवीय शक्तियों के बारे में बताया था तो काली शक्तियों के बारे में भी बताया था। वो अपने बेटे अरविंदो को भी तांत्रिक बनाने की राह पर ले जा रहे थे। कार्तिक पुजारी एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरते हैं और फिर बोल पड़ते हैं, शुभांग चटर्जी ने सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना करने के लिए दुर्गा अष्टमी की रात चुनी थी और वो साधना करने के लिए अपने बेटे अरविंदो को लेकर पूरी मायूंग गया था। अभिमन्यु फिर कार्तिक पुजारी को बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, वही बूढ़े मायूंग गुरुजी जो काले जादू का केंद्र बिंदु है, जहाँ पर तंत्र साधना वाले दो कुंड बने हुए हैं। पहला है अष्ट कुंड जिसमें बौद्ध अपनी तंत्र साधना करते थे और दूसरा है योनि कुंड जिसमें हिंदू अपनी तंत्र साधना करते थे। कार्तिक पुजारी खुश होते हुए कहते हैं, हाँ अभिमन्यु बेटा, मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ, तुम्हें तो अभी से काफी सारी जानकारी है, शाबाश, तुम बड़े होकर जरूर कामयाब इंसान बनोगे। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे कर लेता है। कार्तिक पुजारी फिर से बोल पड़ते हैं, सुर सुंदर यक्षिणी साधना सिद्ध करने के लिए शुभांग चटर्जी ने योनि कुंड में अपनी जुबान की बलि दे दी थी। अभिमन्यु डरते हुए कहता है, उन्हें जुबान की बलि देनी पड़ी, पर क्यों गुरुजी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, क्योंकि यक्षिणी साधना सिद्ध करने के लिए बलि देना अनिवार्य होता है अभिमन्यु बेटा, वो भी अपने सबसे ताकतवर अंग की, और शुभांग चटर्जी का सबसे ताकतवर अंग उसकी जुबान थी। शुभांग चटर्जी एक बंगाली तांत्रिक बन गया था जिसकी सारी शक्तियां उसकी जुबान में ही होती है, इसी वजह से उसने अपनी जुबान की बलि दे दी थी। अभिमन्यु चुप ही रहता है। कार्तिक पुजारी फिर बोल पड़ते हैं, जैसा कि तुम्हें पता है बूढ़े मायोंग में दो कुंड हैं और उन्हीं दो कुंडों के पास बैठकर शुभांग चटर्जी साधना कर रहा था। उसने योनि कुंड में तो अपनी जुबान काट कर चढ़ा दी थी, पर अष्ट कुंड खाली था। दोनों कुंड के पास बैठ कर साधना करने से वो एक कुंड को खाली नहीं रख सकता था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नजर अपने बेटे अरविंदो पर गई। उसके बेटे की रगों में उसी का खून दौड़ रहा था, इसलिए उसने अष्टकुंड के अंदर अपने बेटे अरविंदो की जुबान की बलि दे दी। लेकिन यहीं पर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी अभिमन्यु बेटा। अभिमन्यु कार्तिक पुजारी को फिर बीच में टोकते हुए बोल पड़ता है, कैसी गलती गुरुजी? कार्तिक पुजारी अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, अभिमन्यु बेटा, तांत्रिक क्रियाओं में बलि हमेशा उसी की स्वीकार की जाती है जो साधक होता है, साधना करता है, और उस रात अरविंदो सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना नहीं कर रहा था, बल्कि शोभांग चटर्जी सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना कर रहा था। जैसे उसके बेटे अरविंदो की जुबान कटकर उस अष्ट कुंड में गिरी, उसमें से आग का गोला निकला और उसी आग में जलकर शोभांग चटर्जी भस्म हो गया। जब अभिमन्यु कार्तिक पुजारी के मुंह से ये बात सुनता है तो घबराने लग जाता है। कुछ पल के लिए तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। कुछ देर बाद अपने होश संभालते हुए अभिमन्यु गुस्से के साथ कहता है, कोई अपने ही बेटे की जुबान की बलि कैसे दे सकता है गुरुजी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, अभिमन्यु बेटा, यही तो अंतर होता है दैवीय और दैत्य शक्तियों में। दैवीय शक्ति इंसान को प्रेम करना सिखाती है तो दैत्य शक्तियां इंसान को दुष्ट बनाती है। वो शक्तियां पाने के लालच में इतना पागल हो जाता है कि वो सारे रिश्ते भुला देता है, भूल जाता है कि कौन उसके अपने हैं, कौन पराए और वो किन की बलि चढ़ा रहा है। अभिमन्यु एकांत मन के साथ कार्तिक पुजारी की बातें सुनता रहता है। कार्तिक पुजारी फिर से बोल पड़ते हैं, दैवीय और दैत्य शक्तियों में सबसे बड़ा अंतर जो है वो ये है कि दैवीय शक्ति में देवतागण आपसे कभी कुछ नहीं मांगते हैं, पर दैत्य शक्ति में आपको उनकी बलि चढ़ानी पड़ती है, वरना आपकी साधना सिद्ध नहीं होती है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है,
फिर शुभांग चटर्जी के बेटे अरबिंदु का क्या हुआ गुरुजी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, शुभांग चटर्जी के मरने के बाद वहाँ पर एक चमत्कार हुआ था अभिमन्यु बेटा। अभिमन्यु अपनी आंखें बड़ी करते हुए कार्तिक पुजारी से पूछता है, कैसा चमत्कार गुरुजी? कार्तिक पुजारी अभिमन्यु को आगे की बात बताते हुए कहते हैं, उस रात शुभांग चटर्जी के मरने के बाद उसका बेटा अरबिंदु दर्द से तड़प रहा था, बिलक बिलक कर रो रहा था। तभी उसे याद आया वो रात दुर्गा अष्टमी की रात थी, बंगाल के पुजारियों के लिए सबसे बड़ी रात। शुभांग चटर्जी ने अपने बेटे को एक मंत्र बताया था जिससे देवी को प्रसन्न किया जा सकता था। अरबिंदो ने उसी कुंड के पास बैठकर देवी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और उसका साफ मन देखकर उस पर आए कष्ट को देखकर देवी उससे प्रसन्न भी हो गई। प्रसन्न होने के साथ ही देवी ने उसे एक नई जुबान दी, पर उस जुबान के साथ ही देवी ने अरबिंदो से जितनी काली शक्तियां जुड़ी थी सारी छीन ली। तंत्र मंत्र के बारे में कुछ याद नहीं रहा उसे, यहाँ तक कि उसने अपनी याददाश्त तक खो दी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस रात उसके जीवन का एक नया सफर शुरू हुआ था, एक ऐसा सफर जिससे उस पर का बुराई का साथ छूट गया था। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए फिर कार्तिक पुजारी से पूछ पड़ता है, आपको ये सब बातें कैसे पता है गुरुजी? कार्तिक पुजारी अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि उस रात वहाँ पर सिर्फ शुभांग चटर्जी और उसका बेटा अरबिंदो ही मौजूद नहीं था, अभिमन्यु बेटा कोई और भी वहाँ पर मौजूद था जिसने ये सब कुछ अपनी आंखों से घटित होते हुए देखा था। अभिमन्यु तुरंत पूछ पड़ता है, और कौन मौजूद था वहाँ पर गुरुजी? कार्तिक पुजारी कहते हैं, वहाँ पर शुभांग चटर्जी का भाई सरस चटर्जी भी मौजूद था। जिस रात शुभांग चटर्जी अरबिंदो को घर से बूढ़े मायूंग ले जा रहा था, उस रात सरस ने उनका पीछा किया था और वो सब होते हुए देखा था। अगले दिन उसी के जरिए तो हमें पता चला था कि शुभांग चटर्जी ने क्या क्या पाप किए हैं अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, शुभांग चटर्जी के भाई यानी वो अरबिंदो के चाचा हुए, अगर वो उस वक्त वहीं पर मौजूद थे तो उन्होंने शुभांग चटर्जी को वो सब करने से रोका क्यों नहीं गुरुजी? कार्तिक पुजारी तुरंत बोल पड़ते हैं, डर अभिमन्यु बेटा, डर एक ऐसी चीज है जो इंसान को कायर बना देता है, उसे उसके सारे रिश्ते भुला देता है। उसी डर की वजह से सरस उस रात कुछ नहीं कर पाया था, पर अब शुभांग चटर्जी का बेटा अरबिंदो उन्हीं के साथ रहता है, उसके चाचा चाची ही अरबिंदो की देखरेख करते हैं, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, गुरुजी सब कुछ तो पहले ही घटित होकर ठीक हो चुका है, अब हम उनके पास क्यों जा रहे हैं? अब हमारा वहाँ पर क्या काम है? कार्तिक पुजारी कुछ सोचते हुए कहते हैं, वही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है अभिमन्यु बेटा। दुर्गाष्टमी के अगले दिन मायोंग में हम सभी मठों के पुजारियों की बैठक हुई थी, वहीं पर मेरी सरस चटर्जी से मुलाकात हुई थी। उसी ने मुझे उस रात के हादसे के बारे में बताया था। उसके बाद मैं अरबिंदो से भी मिला था, उसे देखकर लग रहा था कि वो ठीक है। उसके बाद मैं वापस चले आया, पर अब 6 महीने बाद सरस का संदेश आया है, उसी ने मुझे बुलाया है। संदेश में उसने कुछ बताया भी नहीं, बस कहा कि जल्द से जल्द मैं मायोंग आ जाऊँ, यहाँ के हालात बिगड़ गए हैं। अभिमन्यु उतावलेपन के साथ फिर पूछ पड़ता है, आपको क्या लगता है गुरुजी क्या हुआ होगा? कार्तिक पुजारी मायूसी के साथ जवाब देते हैं, अब वो तो उनके घर पहुंचकर ही पता चलेगा अभिमन्यु बेटा कि वहाँ पर हुआ क्या है, क्यों हमें बुलाया गया है। अगले पल अभिमन्यु और तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। वो भूल जाता है कि उसे कुछ पल पहले ठंड भी लग रही थी। अरबिंदो के साथ बचपन में जो हादसा हुआ था वो जानने के बाद अभिमन्यु के दिल में अरबिंदो के लिए अलग ही हमदर्दी पैदा हो गई थी। अभिमन्यु खुद अरबिंदो से जल्द मिलना चाहता था। रास्ते भर अभिमन्यु अरबिंदो के बारे में ही सोचते रहता है। कुछ ही देर में वो और कार्तिक पुजारी अरबिंदो के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजे की दहलीज पर ही अरबिंदो के चाचा सरस चटर्जी और उनकी पत्नी मधुमिता चटर्जी खड़े हुए थे। उनकी निगाहों को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो दोनों बेसब्री से कार्तिक पुजारी के आने का ही इंतजार कर रहे थे। अभिमन्यु को कार्तिक पुजारी के साथ देखकर उन दोनों पति पत्नी को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि आज से पहले उन दोनों ने कभी किसी बच्चे को कार्तिक पुजारी के साथ नहीं देखा था। पर वो दोनों अभिमन्यु पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और सीधे कार्तिक पुजारी से मिलने लग जाते हैं। सरस और मधुमिता कार्तिक पुजारी का आदर सत्कार करते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए एक साथ बोल पड़ते हैं, प्रणाम पुजारी जी। कार्तिक पुजारी भी बारी बारी उन दोनों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें अपना आशीर्वाद दे देते हैं। कार्तिक पुजारी सीधे सरस से मुद्दे की बात करते हुए कहते हैं, क्या हुआ सरस, क्या बात है, तुमने हमें यहाँ पर इस तरह आने के लिए क्यों कहा, सब ठीक तो है ना? सरस घबराते हुए कार्तिक पुजारी से कहता है, कुछ ठीक नहीं है पुजारी जी, यहाँ के हालात बहुत खराब हो गए, क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कार्तिक पुजारी सरस को हौसला देते हुए कहते हैं, घबराओ मत सरस, अब तुम्हें यहाँ पर आ गया हो ना, फिर क्यों इतना घबरा रहे हो, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो। कार्तिक पुजारी घर के आसपास देखते हुए कहते हैं, अरबिंदो कहाँ पर है, वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है।
सरस कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसकी पत्नी मधुमिता बोल पड़ती है, उसी की वजह से तो आपको हमें इस तरह परेशान करना पड़ा पुजारी जी, उसकी वजह से हमारा जीना मुश्किल हो गया है। आपको पता है उसी की वजह से मुझे मेरे जिगर के टुकड़े ढोलू मोलू को उनकी मौसी के घर पर भेजना पड़ा, वरना वो दोनों अगर उस अरबिंदो के साथ रहते तो उसी की तरह हो जाते। मधुमिता मुंह बनाते हुए कहती है, वो तो अरबिंदो को उसके चाचा ने बचपन से अपने बेटे की तरह पाला है, वरना हम तो उस अरबिंदो को यहीं पर अकेला छोड़कर चले जाते, बिल्कुल भी उसके साथ नहीं रहते वो तो। मधुमिता इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही सरस मधुमिता को गुस्से के साथ घूरते हुए अपनी आंखें दिखा देता है और मधुमिता खुद ही चुप हो जाती है। वो अगले ही पल बात को बदलते हुए बोल पड़ती है, पर क्या करे पुजारी जी, अरबिंदो भी तो इसी घर का बेटा है, वो भी बिना माँ बाप का, उसे इस तरह हम छोड़कर तो नहीं जा सकते थे ना, इसलिए यहीं पर रुके हुए। कार्तिक पुजारी सरस और मधुमिता की बातें सुनकर इतना तो समझ ही गए थे कि यहाँ पर जो भी हुआ था उसके पीछे अरबिंदो ही था, उसी की वजह से सब लोग इतना घबराए हुए थे। मधुमिता फिर कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही कार्तिक पुजारी खुद ही बोल पड़ते हैं, आखिर अरबिंदो को हुआ क्या है, आप में से कोई मुझे पहले ये बताएगा और वो है कहाँ पर। सरस घबराते हुए कहता है, पिछले एक हफ्ते से वो बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है पुजारी जी, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है कि मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है, अब मैं आपको कैसे बताऊं उसे क्या हुआ है। कार्तिक पुजारी अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि सरस और मधुमिता उन्हें अरबिंदो के बारे में क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। मधुमिता तुरंत बोल पड़ती है, आप मेरे साथ चले पुजारी जी और खुद ही चलकर देख लीजिए अरबिंदो को, अब तो आप ही बता सकते हैं कि उसे क्या हुआ है, हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने तो सब कुछ करके देख लिया, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, अब आप ही उसे ठीक कर सकते हैं। इतना कहकर मधुमिता अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। कार्तिक पुजारी, अभिमन्यु और सरस उसी के पीछे जाने लग जाते हैं। मधुमिता घर के अंदर बने कमरों की तरफ जाने लग जाती है। अभी वो गलियारे से गुजर ही रहे थे कि तभी दरवाजा ठोकने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कोई जोर जोर से दरवाजा ठोक रहा था जिसकी आवाज कदम बढ़ाने के साथ बढ़ती जा रही थी। अभिमन्यु उस आवाज को सुनते हुए कहता है, ये दरवाजा कौन ठोक रहा है। मधुमिता कहती है, ये अरबिंदो है, उसके सिवा और कौन दरवाजा ठुकेगा, उस पर ही तो भूत सवार है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।